देखिए दोस्तों, बीएस सेकेंड ईयर में मैं अभी शुरू कर रहा हूँ वैदिक युग से। आदिकाल आपको बाद में पढ़ाऊंगा, वैदिक युग से देखें गुफा के बारे में। अब यहाँ से गुफाएं चलेंगी, गुफाएं 1, 2, 3, 4, 5 देखिए। शुरू से थ्योरी देखिए, एकदम इजी है। ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड भी मैंने लिख दिया है। इसको आप नोट करके पेपर में जैसे लिखेंगे नंबर आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि मैंने यही लिखा था और मेरे टीचर ने भी यही लिखवाया था, मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखिए, 1200 ईसा पूर्व से, या वैदिक युग है, 1200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक इस काल को पूर्व बौद्ध काल या मौर्य काल के नाम से जाना जाता है। मैक्स मूर ने वैदिक काल का समय 1200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक माना है। मैक्स मूर ने, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर देंगे तो एग्जामिनर का नजर जो है बहुत अच्छी पड़ेगा। मैक्स मूर ने वैदिक काल का समय 1200 ईसा पूर्व तक माना है। इस समय में कलाकृति के उदाहरण बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। इस समय में एक कला के उदाहरण बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। केवल एक गुफा जिसमें चित्र सुरक्षित है वह गुफा जोगी मारा है। केवल एक गुफा जिसमें चित्र सुरक्षित है वह जोगी मारा की गुफा है। गुफा के नाम जोगी मारा गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। केवल एक गुफा जिसमें चित्र सुरक्षित है वह गुफा जोगी मारा गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, जो मध्य प्रदेश के रायगढ़ पहाड़ी में स्थित है। यूराल पर्वत के दक्षिणी ओर से 2 शताब्दी ईसा पूर्व की मध्य आर्य जातियां यूरोप पश्चिम में एशिया तथा भारत में देशांतर निवास के लिए आए। इन जातियों ने एशिया तथा भारत पर अपना प्रभाव फैलाया। भारतीय आर्य जातियों में 200 ईसा पूर्व तक ईरानी आर्य जातियों से संबंध विच्छेद कर लिया। 200 ईसा पूर्व तक ईरानी आर्य जातियों ने संबंध विच्छेद कर लिया। अब आगे देखें संबंध विच्छेद कर लिया और भारतीय आर्य शासन के लिए रूस से अफगानिस्तान आ गए। भारतीय आर्य शाखा खानवा दो जाति थी। उस सिंधु क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और सिंधु के समृद्ध कर यह जाति पूर्व की ओर बढ़ गई। 1400 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक संपूर्ण भारत पर इसी जाति का अधिमध्य या इस काल का इतिहास स्पष्ट नहीं है। अधिमध्य या था। देखिए, 1000 ईसा पूर्व तक संपूर्ण भारत पर इसी जाति का अधिमध्य था। इस काल का इतिहास स्पष्ट नहीं है। इस समय चित्रकला की प्रगति, ज्ञान सब स्थानों पर एक जैसी थी, जैसा कि वेदों में महाभारत पुराण से प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध का जन्म 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। अनेक धर्म प्रचार के साथ साथ कला का विकास होता है, जैसा कि बौद्ध साहित्य के उल्लेख से प्राप्त होता है। दूसरी शताब्दी के पूर्व दोस्तों, मैं आगे बता दे रहा हूँ आपको। ऐसे पढ़ के इसको लिखने में बहुत टाइम जा रहा है और ब्लैक बोर्ड क्लीन भी करना होता है तो समय जाता है। देखिए, थोड़ा ही रह गया, बस 2-3 लाइन। दूसरी शताब्दी के पूर्व तक बौद्धिक साहित्य
बौद्धिक साहित्य की रचना समाप्त हो चुकी थी और उनका स्थान बौद्ध धर्म के लिए बौद्धिक काल से पूर्व चित्रकला के प्रमाण नहीं मिलते। जो प्रमाण प्राप्त हुए हुए भी जो प्रमाण प्राप्त हुए भी हैं वे साधारण हैं। यही प्रमाण जोगीमारा गुफा से प्राप्त हुआ, जो कि मौर्य राजाओं से संबंधित है। इस समय के ग्रंथों में चित्रकला के उदाहरण मिलते हैं। वात्स्यायन का कामसूत्र में कहीं कहीं उल्लेख है कि ऋग्वेद में चौथे पर अग्नि देवता का चित्र प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद के चौथ पर अग्नि देवता का चित्र प्राप्त हुआ है। इतना आप लिख देंगे, अगर आपको 100 500 वर्ड बस इतना ही लिखेंगे। चलिए अभी आपको क्या बताऊँ। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में पूछें।